ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना, मैं तो तेज ही नहीं बोला। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए। पटना का सुशांत मुंबई में जैसी टैगलाइंस चलाई थी, सी न्यूज उन टैगलाइंस के लिए माफी मांगता है। खबर खबर होती है, खबर मार्केटिंग की चीज नहीं होती, खबर पहुंचाने की चीज होती है। मीडिया न्यूज दिखाने का एकमात्र जरिया है, पर वही अगर न्यूज की जगह कुछ और दिखाने लगे तो, और अगर जो वो खबर दिखाए भी वह भी झूठी निकले तो। आज हम इस हफ्ते की मीडिया में जो कुछ ऐसी झलकियां पर बात करेंगे जिनमें मीडिया ने या तो झूठी खबरें चलाई हों या फिर बेतुकी बातें की हों। पिछले कुछ समय से मीडिया न्यूज को बिना फैक्ट चेक किए आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं, आप पहले ये वीडियो देखिए। स्पीकर ये संजीदा मसला है, खामोशी खामोश रहे। ये वीडियो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है। पहली बार वीडियो देखने पर शायद आपको मोदी मोदी के नारे लग रहे हों। ये यकीन में तब बदल जाता है जब आप ऊपर टैगलाइन पढ़ते हैं, और इस पर यकीन तब होता है जब बड़े पत्रकार जैसे कि दीपक चौरसिया इसे अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं और ये लिखते हैं कि लो भाई पाकिस्तान की संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। अब तो ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने भी इसे मोदी मोदी के नारे ही बताया। अब इसका सच आप इस वीडियो से समझ ही जाएंगे। आप ये वीडियो देखिए खुद ही। सर ये वोटिंग सब कुछ होगा, सर ये वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सबर रखे आप। राजा साहब आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, बर्दाश्त। ये तो कोई तरीका नहीं है, वोटिंग ऐसे तो नहीं होती। जी हाँ, वह मोदी मोदी के नहीं बल्कि वोटिंग वोटिंग के नारे लग रहे हैं। इसका फैक्ट चेक द क्विंट ने भी किया है और उन्होंने भी इसे वोटिंग का ही बताया है। मोदी सरकार के बारे में अच्छा बोलते बोलते हमारे मीडिया चैनल्स फैक्ट चेक करना तो भूल ही जाते हैं। इसके अलावा एक क्लिप और काफी वायरल हो रहा है जिसमें एबीपी न्यूज के एंकर के मुंह से एबीपी न्यूज की जगह बीजेपी न्यूज निकल गया था। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को, अब बीजेपी न्यूज पर, अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले अंजना ओम कश्यप ने भी अपने आप को खुद ही अंजना ओम मोदी कहते हुए बुलाया था। मैं हूँ अंजना ओम मोदी। ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सच सामने आने लगा है, अगर न्यूज का नहीं तो कम से कम न्यूज चैनलों का। तो दूसरी तरफ सरकार भी न्यूज चैनलों को फटकार लगाती देख रही है। हाल ही में अमित शाह ने कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में अमित शाह ने सुशांत केस में रिपोर्टिंग के बारे में जवाब में अपने उसे गलत बताया। मुझे लगता है एक मीडिया का नैरेटिव श्रील हो गया है, घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, मगर जिस तरीके से उसको चलाया गया है, मीडिया ट्रायल भी हो गया है उसका, नैरेटिव को कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को क्या इसमें करना चाहिए? मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। हाँ, कहीं लिपापोती होती हो, घोताही होती है तो ज़रूर कान पकड़ना चाहिए, अधिकार है मीडिया का और फर्ज भी है। परंतु सिर्फ TRP के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और किसी भी घटना में अगर किसी भी प्रकार की लिपापोती होती तो इसको स्पेसिफिक बताना वो मीडिया का धर्म होना चाहिए। अभी कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, दाया पैर बाहर रखा, अरे भाई इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। इसके बाद जी न्यूज पर इंटरव्यू में अमित शाह ने ऐसी पत्रकारिता पर सवाल उठाए। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि मीडिया में अब सरकारी घोषणाओं की जगह ही नहीं बची, क्योंकि मीडिया में कुछ और चल रहा है। पीछे 6 महीने से मीडिया की भी काफी आलोचना हुई ये सोचकर कि इस समय भी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की खबरें ही चलती रही। तो मैं भी ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी ईमानदारी से हमें बता सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी बदल गई है और फिर जनता को ये बता दिया जाए कि ये TRP की कंपल्शन है? नहीं, मैं मानता हूँ, अब मैं कोई एडवाइस देना नहीं चाहता मीडिया जगत के लोगों को, मगर बैलेंस करने की जरूरत है, ऐसा जनता भी फील कर रही है, हम लोग भी फील कर रहे हैं। खबर खबर होती है, खबर मार्केटिंग की चीज नहीं होती, खबर पहुंचाने की चीज होती। अब आप इसको छोटी छोटी चीजों को तूल देकर पूरा दिन भर चलाते रहोगे
खैर जनता ही अपने तरीके से इसको रिस्पोंड करेगी, तभी जाकर ठीक ठाक होगा। सरकार भी अब एक तरीके से फटकार लगा चुकी है और उसके बाद NBSA ने आज तक जी न्यूज, न्यूज 24 और इंडिया टीवी को सुशांत केस में असंवेदनशील रिपोर्टिंग के लिए माफी मांगने को कहा है, जिसके बाद सभी ने एक एक करके माफी मांग भी ली है। संत सिंह राजपूत की आत्महत्या से संबंधित रिपोर्टिंग करने के दौरान हमने अपने टेलीकास्ट में सुशांत की मौत पर 7 सवाल और पटना का सुशांत मुंबई में क्यों जैसी टैगलाइंस चलाई थी। जी न्यूज उन टैगलाइंस के लिए माफी मांगता है। हमने अपने प्रसारण में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रिपोर्टिंग संबंधित दिशा निर्देशों के क्लॉज बी, जिसके मुताबिक रिपोर्टिंग दर्शकों में सनसनी अथवा बेवजह डर घबराहट पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। आज तक को ऐसे 1,00,000 का फाइन भी लगा है कुछ ऐसे ट्वीट शेयर करने को लेकर। इंडिया टीवी ने भी इस पर माफी मांगी, इस बात के लिए माफी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमसे रिपोर्टिंग के तय गाइडलाइंस के क्लॉज 3.6 का उल्लंघन हुआ है, जिसके मुताबिक किसी भी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और मृत व्यक्ति के शव का क्लोजअप या फिर क्षत विक्षत शव नहीं दिखाया जाना चाहिए। पर इन सब के बावजूद भी रिपब्लिक टीवी ने माफी नहीं मांगी, जो इन सब हरकतों में सबसे पहले नंबर पर थे। खैर अर्नब को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चल रही जांच पर 30 जून को रोक लगा दी थी। इसके बाद CGI शरद अरविंद बोर्डे ने कहा कि रिपोर्टिंग करते वक्त जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाना चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर सावधानी रखी जानी चाहिए। CGI ने अर्नब से कहा, मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। CGI ने सालवे से कहा कि वह क्या करना चाहते हैं इसके बारे में एक हल्फनामा भी दायर करें। न्यूज 18 पर यूपी के मुद्दे पर डिबेट में अमीश ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से सवाल किए, जिस पर चंद्रशेखर ने अमीश के सवालों पर खूब करारे जवाब दिए। आप खेल रच रहे थे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर उस भीड़ के जरिए पूरा माहौल खराब करा जाए। मैं आरोप में भरोसा नहीं करता हूँ। आपके लोग पीड़िता के घर के बाहर रिश्तेदार उनके बैठे हुए, ये तो सच है बिल्कुल। ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना, मैं तो तेजी नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब तो देंगे ना आप। हाँ दूंगा ना, ऐसा है ना, उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। भीम आर्मी एक सोच है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवानों में है। दलितों के साथ अत्याचार होगा, भीम आर्मी जाएगी, लेकिन भीम आर्मी तो वहीं उछल कूद करती है जहां पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूँ, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं देता भाई, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। अब हम न्यूज चैनलों के बारे में क्या टिप्पणी करें, आपने खुद ही देखा कि ये न्यूज चैनल्स कितनी न्यूज दिखाते हैं और कितना सच होता है उसमें और कितना झूठ, और समय जो खराब होता है वो है आम जनता का। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।